हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें जो रैम इंस्टॉल होती है वो अगर आपको यूजेबल कम दिखाई देती है तो उसको कैसे फिक्स करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये एक टेक्निकल टॉपिक है, नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है। लेकिन अब या आने वाले वक्त में आपके पास भी एक पीसी होगा, एक लैपटॉप होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होगा उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सामना इस प्रॉब्लम से ज़रूर होगा जिसका सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ही आप अपने पीसी की, अपने लैपटॉप की, अपने कंप्यूटर की जब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसकी रैम चेक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 4 GB इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर 2.05 GB यूजेबल दिखा रहा है। इसका मतलब 4 GB इसमें रैम आपने लगाई हुई है तो इसमें जो यूज़ हो रही है वो सिर्फ 2 GB हो रही है। तो बाकी की 2 GB कहाँ गई, कैसे हम इसको यूज़ कर पाएंगे दोस्तों, वो इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो रैम है वो यहाँ पर मैं जूम करके एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए, इंस्टॉल्ड मेमोरी यहाँ पर 4 GB है बट 2.05 GB यूजेबल दिखा रहा है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से यूजेबल रैम को शो करते हैं, उसी ऑप्शन में आपको जाना होगा। यानी आपको सबसे पहले विंडो बटन प्रेस करना है। विंडो बटन ये जिससे स्टार्ट मेनू ओपन होता है, ये देखिए, इस बटन को प्रेस कर लें और प्लस आर को प्रेस कर लें तो आपका जो रन कमांड है वो ओपन हो जाती है। आप इसको स्टार्ट मेनू में जाकर डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है msconfig, यानी msconfig। ये लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है। तो दोस्तों, msconfig लिखकर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन होगा जिसमें आपको दिखाई देगा जनरल, बूट, सर्विसेज, स्टार्टअप और टूल्स। दोस्तों, ये नया विंडो है जिसमें कि आपके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको सेटअप करने का सारा इसमें सिस्टम दिया होता है। आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बूट वाला ऑप्शन। बूट वाले ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ एडवांस ऑप्शन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मेमोरी यहाँ पर 2096 MB है, यानी 2 GB। तो आपने सिर्फ क्या करना है, सिंपली आपको इस राइट पर टिक जो लगा हुआ है इसको हटा देना है और फिर वापस से लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो मेमोरी है आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जैसे 4 GB आपने इंस्टॉल्ड की है तो कम से कम 3.7 GB आपकी यूजेबल यहाँ पर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर 3.7 लिख देना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एक बार और मैं चेक करता हूँ इसको, 3.795 यहाँ पर है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ एंड इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए सिस्टम को चेक करता हूँ। जब मैं इसको चेक करूँगा तो मुझे वापस से वही नज़र आएगी 2 GB यूजेबल। तो अब क्या करना होगा, अब मुझे अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया है। ठीक है, ये सिस्टम मैंने रीस्टार्ट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ इसकी रैम कितनी है। देखिए दोस्तों, 4 GB रैम थी मेरी और 3.47 GB यूजेबल। तो दोस्तों, यूजेबल रैम जो थी, जो 2 GB दिखा रहा था, वो यहाँ पर इंक्रीज होकर 3.47 हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एंटर तो कुछ और किया था, 3.897 समथिंग किया था, तो यहाँ पर 3.8 क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये जो मेमोरी होती है यूजेबल, ये 4 GB में मैक्सिमम कैलकुलेट करके सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करता है इसको, मैक्सिमम मेमोरी यूजेबल। मैं एक बार और आपको लेकर चलता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये देखिए, विंडो आर प्रेस करने के बाद msconfig, ओके, बूट, ठीक है, एडवांस ऑप्शन। अब यहाँ पर मैंने देखिए 3.795 यहाँ पर लिखा है, तो जो यूजेबल मेमोरी है वो 3.79 GB होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूजेबल कितनी दिखा रहा है, 3.47। तो दोस्तों, ये जो है सिस्टम की यहाँ मैक्सिमम मेमोरी लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अगर 5 GB भी लिख देंगे, 5 GB
ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 GB शो नहीं करेगा क्योंकि आपकी 4 GB है और उसमें से जो मैक्सिमम यूजेबल मेमोरी होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब 4 GB में से सिर्फ इतनी ही यूजेबल हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती दोस्तों। तो ये मैक्सिमम मेमोरी होती है। तो इस तरह से आपकी मेमोरी अगर कम शो हो रही है तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं दोस्तों, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे आप अपने लैपटॉप पर हो, चाहे किसी पर हो। तो आसानी से आप अपनी जो रैम है जो यूजेबल कम दिखती है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा कोई क्वेरी होती है, कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।